अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? आज पहली बात आप सबको नए साल की मुबारक। तो जनवरी कर को बोलती मगर मुसलमान को मुहर्रम इच आज पहला एक खन नया साल मुबारक पूरे को। आज मैं मटन के शीख बना रही हूँ, चर्बी वाला मटन ले को हूँ। सो ये देखो, इसमें पीस कर रख ली हूँ मैं, मिक्सी में पीस को रख लूँ। ये ज़्यादा चर्बी कम गोश्त, एक आधा किलो तब पीस को रख लूँ मैं। अब ये बनाने का शुरू करती हूँ। देखो, एक टीस्पून मिर्ची का पाउडर, वाइट पेपर पाउडर आधा टीस्पून, आधा टीस्पून धनिया का पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून चाट मसाला, गरम मसाला एक टीस्पून, यह भुन को कुटा हुआ धनिया, ये सब मिला लेते। सौ ग्राम बेसन, ये भुना हुआ बेसन, ये 100 ग्राम, ये जरा बेसन जरा 100 ग्राम ज्यादा डाल ले रही हूँ। की वो कर बोले तो ज़्यादा चर्बी है ना, उसके वास्ते डाल ले रही हूँ। सो तुम्हारे घर में भी ज़्यादा चर्बी रहते तो ऐसा बना लियो, बहुत अच्छी रह चाहिए शीख। चर्बी मैं ज़्यादा ले को हूँ शीख, अच्छे बनती कर बोल को। तुम्हें भी ऐसा रहा तो भी ऐसा बना सकती। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक आको 1 टीस्पून ले को हूँ मैं, तुम्हें देखो ले लो और हिसाब से ठीक है। तो इसमें तेल, घी या मस्का कुछ भी डालते नहीं, बटर क्या सब डालती वो सब क्या भी नहीं, चर्बी वाला ले को हूँ ना मैं। उसके वास्ते प्याज 3 मीडियम साइज के प्याज बारीक चॉप कर को हूँ चॉपर से, हरे मिर्चा 5-6 हरे मिर्चा, वो चॉपर में नहीं हुआ करने में जरा प्याज डाल को उसमें से चॉप कर लियो। या आको 1 मुट्ठी पुदीना, कोथिमीर 1 मुट्ठी, एक नींबू इसका रस से काट को रख लियो, इसके बीजा उठकाड़ा लेंगे। रेसिपी अच्छी रचे देखो, स्क्रिप्ट करो नको, फर्स्ट से लास्ट तक स्क्रिप्ट करो नको देखो। ऋषि खां बना के देखो, कमेंट्स करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। को तब नए वीडियो देखते रहते सब्सक्राइब करो। ज़रा बात करने आता नहीं मंजे, ज़रा अच्छा मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सर को 1 घंटा भिगने रखेंगे, इसे मिक्सर को 1 घंटा रखना है। इसे बहुत अच्छी रहती है ये शिका, इसे अभी हर आदमी एक एक रकम से बनाता है। देखो ऐसा तुम्हें भी बना के देखो ऐसा। आज मैं ये अपलोड करी तो शिखा 100 वीडियोस हुए मेरे कंप्लीट। प्लीज़ सब्सक्राइब की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करो, फर्स्ट से लास्ट तक का देखो वीडियो, बहुत अच्छी रचे देखो ये एक बार। ज़्यादा मैं भी क्या भी सीखो नहीं हूँ, जितना मैं सीखूँ वो मैं भी बताती सो। देखो अच्छा मिक्स कर को हूँ मैं, 1 घंटा भिगने रखती हूँ मैं ये, 1 घंटे के बाद तल जो जरा टेस्ट। हरी चटनी बना ले रही हूँ, देखो 4-5 ही हरे मिर्चा, 1 टीस्पून जीरा, 1 मुट्ठी कोथिमीर है, या को पुदीना जरा ज़्यादा है, देखो नमक हिसाब से देख को डाल लो। मैं ज़रा कम बना रही हूँ चटनी, तुम्हें ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा पूरा भी ज़्यादा कर लियो।
लहसुन 6-7 कलियाँ ही लहसुन के डाल रही हूँ। प्लीज़ स्किप करो नको, मैं वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखो। पीस लहसुन चटनी है, एक नींबू डाल रही हूँ, बीज इसमें पड़गा। एक नींबू, हरी चटनी देखो बना ली, चुपके पीस को ना तेल डाल दूँ गरम को, आदम एक घंटा हुआ भिगने रखो। नमक मिर्ची सभी टेस्ट देख लियो, देखो देखो ऐसा बना लियो। ऐसे बना लियो, बना को पूरा ऐसा बना कर बहुत अच्छी रहती है रेसिपी, ऐसा एक बार बनाओ शिका शिख। कम लो फ्लेम को 5 मिनट पका लेंगे, ये एक साइड ढक्कन बंद कर को, पक्को है दूसरी साइड पका लेंगे, देरी से पलटा लेंगे। तो ये डिश आउट कर लेती हूँ, बहुत अच्छे हैं शिखा ये, एक बार खा देखो। रेडी है देखो शिख मटन शिख, मटन शिख कबाब ये, ऐसे एक टाइम बना के देखो तुम्हें, बहुत अच्छा है ये रेसिपी देखो, हरी चटनी के साथ। देखो सॉफ्ट, बहुत अच्छा है ये, एकदम सॉफ्ट जूसी है। बहुत अच्छी लगती है, बहुत 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 अच्छी है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़। है जूसी है, कितना सॉफ्ट है, जूसी है देखो, तोड़ को हूँ ये देखो, ये देखो एकदम जूसी सॉफ्ट है, फुल टेस्ट है।